गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एआर ग्रुप्स ट्रेड विद एक्सपर्ट। तो एज यूजुअल हम लोग मॉर्निंग सेशन में कवर करने वाले हैं मार्केट का फाइनेंशियल न्यूज, जो आपको बाइनरी और फॉरेक्स में दोनों में हेल्प करती है ट्रेड अच्छी तरह से प्लेस करने में। मीन्स किस टाइम आपको ट्रेड प्लेस करना है, किस टाइम आपके लिए रिस्की मार्केट हो सकती है और किस टाइम आप सेफली ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो एज यूजुअल आज की आप डेट देख सकते हो 16 सितंबर 2021, और अभी की आज देख सकते हो आज की न्यूज़ में हाईलाइट मैं करता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको दिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आप कवर कर पाओ। ओके, अगर बैकग्राउंड में मेरी म्यूजिक कुछ आ रही हो तो उसे इग्नोर करना। और आज की न्यूज़ आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं उस टाइम से कवर करूँगा जिस टाइम से नेक्स्ट न्यूज होगी। मीन 7 AM में आपको AUD पे काफ़ी न्यूज होगी, बट उस टाइम पे टाइम निकल चुकी है, तो इस टाइम पे इग्नोर करते हैं इसको। मेनली कवर करते हैं जिस टाइम से न्यूज़ आपको मिलेगी मार्केट में। ओके, तो आपको नॉर्मली न्यूज़ दिख रही है आपको PSSF यूरो पे आपको 5:30 तक न्यूज़ मिलेगी आज रेगुलर। ओके, 5:45 एज यूजुअल CAD शायद लास्ट मंडे से ही, इस मंडे से ही आपको CAD USD पे रेगुलर मिल रही है आफ्टर 6 PM डेली के। डेली का मैं बात कर रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे आज वेनसडे एंड ऑल्सो थर्सडे आज हुई, आज के दिन भी आपको न्यूज़ दिख रही है मार्केट में USD पे। ओके, USD एंड CAD दोनों पे टाइम पे हेवी वोलेटाइल न्यूज होती है। एज यूजुअल कल का हमने शॉर्ट शॉट लिया था, उसे मैं आज दिखाने वाला हूँ किस टाइम मैंने शॉर्ट शॉट लिया था। ठीक है, उससे आपको क्या होगा कि आपको शॉर्ट शॉट लेने में काफ़ी ईजी होगा, आप ट्रस्ट कर पाओगे कि ये सही बंदा सही है या फिर गलत है। ओके, तो ये रही आज की न्यूज़ फॉरेक्स फैक्टर के अनुसार। CAD के आप 6 PM में आप ट्रेड कर सकते हो, बट अगर वोलेटिलिटी मार्केट में ट्रेड करना है भाई, तो फिर श्योर शॉट ज्वाइन कर लो। आपको एक ट्रेड पे 30-50% इन्वेस्टमेंट करके आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, अच्छी खासी की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक ट्रेड से। तो ये रही आपकी फॉरेक्स फैक्टर की न्यूज़। एज यूजुअल 12:30 के बाद यूरोपियन न्यूज़ जो कि वोलेटिलिटी हल्का फुल कर रहने वाली है। उसके बाद डायरेक्टली आपको 6 PM में न्यूज़ मिलेगी जो कि 8 PM तक चलेगी। ओके, फिर 9 PM से अगर आप रात में ट्रेड करना पसंद करते हो तो फिर 9 PM के बाद आप ट्रेड करो, आपके लिए मार्केट सेफ टाइप की दिखेगी थोड़ी सी, अगर मार्केट पर जज कर लें 15 सेकंड के चार्ट के साथ में। अब अगला चलते हैं हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर पर। ओके, कैलेंडर के अनुसार तो आपको काफ़ी ज़्यादा ही न्यूज़ दिख रही है। एज यूजुअल 2:30 में आपको यूरोपियन न्यूज़ मिल रही है, फिर 5:45 पे कैड एज यूजुअल कैड पे जो न्यूज आपकी थी वो है 6 PM से आपको CAD USD, फिर 7:30 8:30 पे आपको न्यूज मिल रही है। 7:30 तक लास्ट आपको USD पे न्यूज है डबल स्टार। 6 PM में आपको हमेशा 3-star न्यूज मिल रही है। आज मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ 6 PM में जो कि मार्केट वोलेटिलिटी होती है उसे देख के। ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि वोलेटिलिटी किसे बोलती है, ये किस टाइम आपको ट्रेड करना नहीं करना। अगर उस टाइम मैं फ्री रहा तो ज़रूर मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा सारा कुछ। ओके, तो आज की न्यूज़ में यही है, कंक्लूजन यही निकलता है कि ट्रेड सेव करो। आज काफ़ी न्यूज है मार्केट में, यूरोप पे हमेशा आपको दिखेगी न्यूज़, वोलेटिलिटी दिखेगी, और 6 PM के बाद USD CAD पे आपको न्यूज़ दिखने वाली है। तो थैंक यू, आज की वीडियो में यही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे। सॉरी, हाँ, आपको दिखानी है मेरी शॉर्ट शॉट की वीडियो में, क्या शॉर्ट शॉट में मिला लास्ट डे जो हमारी शॉर्ट शॉट हुई थी उसका रिजल्ट क्या थी और लोगों का रिव्यू। ओके, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन शॉर्ट शॉट लोग ट्रस्ट कर पाए, जिसके कारण मैं ये वीडियो ऐड कर रहा हूँ शॉर्ट शॉट के। जो मैंने शॉर्ट शॉट लिया था ग्रुप में उसकी मैं सारी चार्ट प्रीवियस हिस्ट्री दिखाने वाला हूँ। ओके, मीन्स यस्टरडे की शॉर्ट शॉट तभी लेता हूँ जब वीडियो मीन्स मार्केट स्टेबिलिटी होती है, जब मैं श्योर शॉट के लिए श्योर होता हूँ। ओके, ये हमारी श्योर शॉट की लास्ट, ठीक है, ये थी हमारी ट्रेडिंग। मैं कल सोच रहा था श्योर शॉट दो ट्रेड लेने की, बट मार्केट इतनी ज़्यादा हेवी वोलेटाइल थी जिसके कारण